यूप जन सपा के अध्यक्ष ने नियमों की उड़ाई धज्जियां, 200 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। जेल से रिहा होने के बाद सपा यूप जन सभा के जिला अध्यक्ष व नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव काफले के साथ इटावा से ओरिया के लिए रवाना हुए। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों में उनके समर्थक मौजूद थे, जो कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने धर्मेंद्र यादव व 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा जेल से रिहाई के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ खुली गाड़ी में औरैया की तरफ यह काफला सपा नेता धर्मेंद्र यादव का है, जो इटावा से अपने घर औरैया नेशनल हाईवे से आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग गाड़ियों से लटके हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के साथ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब पुलिस ने सिविल लाइंस इटावा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अज्ञात समर्थकों की पहचान के लिए टीम लगाई गई है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि धर्मेंद्र यादव नाम का, जो कि औरैया जनपद से गैंगस्टर बंद था और वहाँ से जिला बदल गया है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हुई है। ये जेल से कल शाम को 4 तारीख की शाम 6:15 बजे के लगभग छूटा है और ये आज दिन का वीडियो है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है और जिस तरीके से ये जुलूस इस शक्ल में जा रहे हैं, इसको देखते हुए थाना सिविल लाइंस में जो सेक्शंस हैं उसमें FIR दर्ज कराई गई है। 188, 269-70 महामारी एक्ट, क्योंकि इतनी संख्या में नारे लगाते जा रहे हैं उसको लेके 7CLA एक्ट भी लगाया गया है। इसमें धर्मेंद्र यादव को नामजद करते हुए बाकी सभी गाड़ियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, सभी व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। विभिन्न जो रास्ते पर CCTV फुटेज हैं उनकी छानबीन के लिए टीम लगाई गई है। धर्मेंद्र यादव के अलावा लगभग 200 के खिलाफ ये FIR पंजीकृत की गई है। जैसे जैसे चिन्हित करते जाएंगे, इसमें कार्रवाई हम करते रहेंगे।